Hello, hi, and assalamu alaikum, Karachi, Lahore, Multan, Faisalabad, Islamabad, aur Sajna, jahan kahin bhi hain, unko bhi pyar bhara salam. Puri duniya mein aap log hame sun rahe hain, Pakistan mein straight away hamari airwaves pe aap log hame sun rahe hain. I wish and pray, sunne wale, na sunne wale, jahan sunne wale se matlab ye nahi ki aapko sunai thoda kam deta hai. कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अच्छा यार वैसे ऐसे कानों का क्या फायदा जो 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 चीजों को समझ नहीं सके. हाँ लगता है ना आपको कि जो आप आपके अंदर जो है वो इतना शऊर नहीं हो, इतनी समझ नहीं हो, या फिर होने के बाद अगर आप जो है वो चीजें जो सुननी चाहिए वो आप सुने ना, हाँ उनसे दूर भागे और आपको ऐसा लगे कि नहीं शायद ये तो कोई ये कोई प्रेशर है या इसको जो है वो नहीं सुनना या सुन के जो है वो उनसे उनसे हम फायदा ना लें उन चीजों से ना. हाउ बैड इट इज. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसे सुनने वालों एंड सुनने ना सुनने वालों का मतलब ये है कि आप हमें शायद सुन रहे हो शो में, शायद आप हमें नहीं सुन रहे हो, बट आई विश प्रे कि सब लोग हंसते मुस्कुराते हुए हों, जिंदगियों में बहुत मजे से हों. आज जब आप रात को सोने हुए जाएं तो चाहे कितनी भी टेंशन्स क्यों ना हो, कितना भी दिन के अंदर कोई बुरी बुरी बातें, किसी प्रोजेक्ट का ना मिलना, थोड़ा डिले होना, सुबह नई जॉब के लिए जाना, कोई इंटरव्यू या कोई और बात जो आपको शायद कहीं पर अटकी हुई है, इन सब चीज़ों से जो है वो परे निकल के कुछ खुशियों अपने इर्द गिर्द हो, मतलब यू नो ये डम फीलिंग की जो चीज़ें हैं उनको छोड़ के आप यू लाइक कीप ऑन लुकिंग टू द ब्राइटर पिक्चर ऑफ द लाइफ, जहाँ पे आपकी मोहब्बत करने वाले उनकी यादें उनकी बातें जो है वो आपके साथ जुड़ी हुई हों, चाहे वो आपके साथ अभी हों या फिर नहीं भी हों. So this is what I wish for you. So दोस्तों अगर ऐसा नहीं है तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपके अंदर चेंज लेके आऊं. Yes, that's my promise to everyone listening to me. ये आवाज जो आप तक पहुंच रही है मुझे ज़ेबी कहते हैं. By the way मेरा नाम जहां ज़ेब है, जहां ज़ेब तारिक नाम है, लेकिन मेरे दोस्त मुझे ज़ेबी कहते हैं, तो people like moreover keep on calling me जहां ज़ेब ज़ेबी और straight away ज़ेबी. So आपका भी जो दिल कहे आप मुझे कह सकते हैं. You know नामों के अंदर क्या रखा है, नामों के अंदर बहुत कुछ रखा है, और नामों के अंदर क्या रखा है आज हम ये ढूंढने की कोशिश करेंगे. तो कहीं जाना नहीं, हमारे साथ रहना है. Enjoy my signature number. आए हाय शाम ढले के जब पंछी आए हैं, कहते हैं कि अगर सुबह का बुला शाम में आ जाए तो वो भूला नहीं है, उसको स्पेस देनी चाहिए, उसको रख लेना चाहिए, मान लेना चाहिए उसकी बातों को. याद चले मेरे दिल में उदास शामें आ गई हैं कि नहीं, उदास उदास रातें आ गई हैं कि नहीं. इन उदास रातों में भी आपके पास बहुत कुछ हो ना, लेकिन ये उदासियां भी हो तो बहुत अच्छा, बिकॉज उदासियां भी तो किसी ना किसी के होने के बाद होती है ना. मीन इज दिस के अगर समवेयर अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ है तो फिर आप एक बार फिर से स्ट्राइव करेंगे उन उदासियों को खत्म करने की, या वो उदासियां खुद ब खुद खत्म होंगी जैसे आपके लिए किसी ने सोची हुई हो. हाँ तो दोस्तों इन्हीं सब बातों के साथ enjoy the signature number of mine. We'll catch you right after this. कहीं जाना नहीं है, मेरे साथ रहना है, एंड पक्का वाला साथ रहना है. रंगीले सुहाने मौसमों के दरमियान हम आपके साथ हैं, और आज मैं किससे बात कर रहा था इन द मॉर्निंग, हाँ वन ऑफ माई फ्रेंड
जो पहाड़ों पे चढ़े हुए थे और बहुत मजा कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे. आई हैड लाइक चैट विद सम ऑफ द फ्रेंड्स आउट द बॉर्डर, बहुत सारे लोग जो हैं वो, और यूरोप में भी लोग इंजॉय कर रहे हैं सर्दी को, बहुत ज़बरदस्त वाली सर्दी को इंजॉय भी कर रहे हैं. मेरे भी दोस्त ऐसे कह रहे थे. अच्छा, आप सब जगहों के ऊपर सब तरह के मौसम जो है वो इंजॉय कर रहे होते हैं. हमारे यहाँ थोड़ा सा सर्दी थोड़ी स्लाइड कर गई है ना, तो हम उसके इंतज़ार में भी हैं. और अच्छा, एक मिनट, मुझे ज़बरदस्त किसी कुछ दिन पहले किसी ने जो है वो बात कही है, तो उसने कहा कि अब जो हमारे अंदर इसमें इतनी गर्मी हो, मतलब आप देखें कि कहते कि पहले ना मुझे उन्होंने कुछ समझाने की कोशिश ये की थी कि जैसे हम बोलते हैं तो धुआं निकलता है और ये सारा चीज़ें, तो वन वे कि हम हमारे अंदर जो है वो अब हम इतने ठंडे मिजाज नहीं रहे, हम गुस्सा गुस्सा करने वाले रहे, तो वो कहीं से जो अंदर चीज़ें बर्न हो रही होती तो उसका धुआं निकल रहा होता है. और मुझे नहीं पता कि साइंटिफिकली इसकी कोई आपस की मिथ है या फिर नहीं है, लेकिन चलिए उनकी ये मिसाल जो है वो बिल्कुल सही थी कि माशरे में जो है वो सुकून, पीस जो है वो टॉलरेंस काफ़ी कम है. और दूसरी साइड पर ने ये भी बताया था कि ये एक समवेयर जो है वो हमारे पोल्यूटेड जो एनवायरनमेंट है उसकी भी एक मिसाल है कि जब हम हमारे बहुत ऐसे धुएं निकलते हैं, हम बोलते हैं ना इन द मॉर्निंग एंड लाइक सम टाइम किसी और वक्त के अंदर भी ऐसा हो सकता है एट द नाइट टू. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर लिसनिंग टू मास्टर फ्रॉम 103. दिस इज ऑल अबाउट द ज़ेबी शो. कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद. इट्स अ ब्लू मून, इट्स अ लव स्टोरी and madness. So here we go for the very first track of my show, Sonia Sajno. Amazing, yaar. Ye mere saath saath reh ke ye gaana suniyega. My name is Zebi. Aapko kya kehte hain hame zaroor batayega. Mera naam Jahan Zeb hai. Zebi bhi mujhe kehte hain. And you are listening to Mast FM 103. Apne mobile phone ke write message mode mein jaye. FSD likhe. FSD likhne ke baad ek space dein. Uske baad apna khali naam likhe aur send कर दे मुझे 6278 पे. नाम के साथ अगर अपनी सिटी भी लिख दें तो बहुत अच्छा है, बिकॉज यू आर लिसनिंग टू मी इन कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद. Oh,
I'm absolutely back in the show. मेरा स्पीकर भी चल रहा है, वैसे मैं तो खुद एक स्पीकर हूँ. अच्छा, रेडियो शो करने वाले लोग जो है ना, उनको बोलने का बिकॉज जिंदगी में बड़ा शौक होता है, तो लोग समझते हैं कि ये भी एक स्पीकर की तरह है. बट हम स्पीकर तो हैं, और ऑन अ वे जो है वो हम अपने भाषण, अपनी बातें जो है वो आप तक पहुँचाते हैं, सुनाते हैं. और आप लोगों को क्या कभी कभी अच्छी लगती हैं? तो ओके, दैट्स ग्रेट यार. कभी कभी अगर कुछ अच्छा लग जाए तो वो भी. आप सोचें ज़रा, कितने सारे लोग हमारे साथ रह रहे होते हैं, हमारे साथ चल रहे होते हैं, हमें तब भी कभी कभी अच्छे नहीं लगते. तो अगर हम कभी कभी भी अच्छे लगते हैं तो तब भी बहुत ज़बरदस्त बात है. लेकिन ये क्यों कमी आ गई है बता? हमारे यहाँ जो लोग साथ रहते हैं, हम वो भी हमें अच्छे लगने नहीं, मतलब अच्छे लगने कम हो जाते हैं, अच्छे लगने मैनी रीजन्स हाँ इनसे जुड़ी हुई है. आई नो के कभी कभी हम ऐसी बातें कर देते हैं, हम ऐसी, मैं अपने साथ जुड़े हुए लोगों को बिलीव में ये कहता रहता हूँ कि यार आप जैसे एक चोट है ना, आप एक जख्म जो है वो लग जाता है, उसका दर्द कम हो जाता है, निशान रहता है, निशान भी फिर कितनी देर तक रहता है. हम इसी तरह से जब अपने अपने रिश्तों के अंदर जब थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ पिंच करते रहते हैं, कुछ ना कुछ उसको तोड़ते रहते हैं, हम समझते हैं कि हाँ वो वक्त के बाद फिर कभी सॉरी हो गया, कभी कुछ हो गया, फिर प्यार जो है वो जुड़ गया. लेकिन यकीन करें, एक थोड़ी सी स्पेस छोड़ जाती है वो चीज़ें. मुझे पता आप बहुत साफ करते हैं, लेकिन वो एक हल्का सा जो ब्लैक स्पॉट है ना, वो कहीं ना कहीं पर रुक जाता है. फिर आहिस्ता आहिस्ता ये छोटे छोटे स्पॉट बढ़ते रहते हैं, और फिर वो जो पूरा आपकी वो एक आपका दायरा होता है ना, मतलब एक मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की स्पेस जो है वो आपके मन के अंदर, दिल के अंदर छोटे छोटे पॉकेट्स की तरह से है. हाँ, तो वो उन पॉकेट्स के अंदर से जो है वो थोड़ा थोड़ा वो स्पॉट बनता रहता है, और फिर कभी कभी वो बहुत गहरा हो जाता है. तो वो बहुत गहरा होने से जो है वो पहले से हमें पीछे निकल जाना चाहिए, बल्कि वो थोड़ा सा भी लगा नहीं रहने देना चाहिए, बिकॉज वो बहुत मेहनत लेता है सच्ची में, वॉश आउट करने में, दोबारा से उसको रिपेयर करने में. सोने सजनो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मस्ट एफएम 103. माय नेम इज ज़ेबी एंड यू आर लिसनिंग टू द ज़ेबी शो. ओके, अली हसन हमारे साथ हैं, वी हैव वीना. अरे जी वाह, क्या बात है. शफी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. तैयब आकरम हमारे साथ है हमेशा की तरह. शेइंग विस्परिंग नाइट जो है वो शुरू हो गई है. हाँ यार, विस्परिंग नाइट्स जो है वो देखे, आप में से कौन कौन जो है वो किस के साथ विस्परिंग करता है. बाय द वे, आई रियली लव दिस माइक, मुझे तो बहुत मजा आता है इसके साथ विस्परिंग करते हुए. सो यू कैन बी केयरलेस विस्पर. हाँ और जो भी मन चाहे आपका. अली हसन बट हमारे साथ है कराची वाला. गुड इवनिंग ज़ेबी, वंडरफुल यू, वंडरफुल टू लिसन टू यू एफएम 103 शो. लगदा मैं तो दिल पाकिस्तानी सिंगर महानूर खान. अच्छा, उन्होंने गाना गया लगदा मैनू तो दिल. आप महानूर खान खुद ही तो नहीं है, या फिर उनके कोई करीबी तो नहीं है?
चले मैं देख, अगर कुछ ऐसा है तो तब भी मुझे बता दें. नो वरी, मैं प्ले तो करूंगा यार, ये कौन सी ऐसी बात है, मतलब ऑफकोर्स आपके लिए प्ले करना है. किरण हमारे साथ हैं. किरण जी थैंक यू सो मच. किरण मलिक, क्या बात है यार. किरण मलिक और किरण चौधरी नहीं आई हैं, वो कौन है? सारा चौधरी है, सबा चौधरी है, ऐसे भी नाम जो है वो बड़े पॉपुलर है ना, तो ये भी जो है वो. बहरहाल ये किरण है हमारे साथ. वी हैव अमीना, नॉट अमीना, आमिना है ये. आमिना है बट थोड़े से स्पेल चेंज करके डबल ए एम आई एन ए एच. आमिना आपको बहुत बहुत शुक्रिया. डॉक्टर आसिम साहब हमारे साथ हैं एंड वी हैव द फरा इन द शो. लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हमारे यू से लाइक वेलकमिंग लिसनर जो हमें सुन रहे हैं. तो ये डिफरेंट नाम लोगों के, और आज मैंने नामों की कहानी जो है वो अपने दोस्तों से पूछनी है कि नामों का हमारी पर्सनालिटीज के ऊपर क्या असर पड़ता है, नहीं पड़ता है. आपकी फाइंडिंग क्या है आपकी लाइफ में, जिस तरह से आपके अब्बा अम्मा ने रख दिया, अब हमें पता नहीं है, पैदा भी हम ऐसे हुए हैं बिना अपनी सोच के, हमारे नाम भी इसी तरह से रख दिए गए हैं. लेकिन अब हम, हमारे पास ये है, हमने एक अपना थोड़ा सा जायजा लेना है. अगर पहले ले लिया है तो तब भी अच्छा, नहीं भी लिया तो अभी भी ले लेते हैं कि हमें देखना है कि क्या हमारे नाम जो है वो हमारे ऊपर कोई असर डाल रहे हैं, या आपको क्या लगता है कि ये नाम जो है वो असर डालते हैं पर्सनालिटीज के ऊपर, आपकी हैबिट्स पे, आदत पे, आपके इन एंड आउट के ऊपर, लाइफ स्टाइल पे, इन सब चीजों के साथ. सो दोस्तों, डोंट फॉरगेट टू शेयर टू मी. Waiting for you. आपके नाम का मतलब क्या है ये भी तो आपने हमें बताना है. तो आज जरा लोगों के नामों के मतलब पूछेंगे, अच्छे अच्छे नामों के साथ, अच्छी अच्छी बातों के साथ, उनको डेडिकेशन भी करेंगे. So, here we go. And दोस्तों, अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट के ऊपर, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब के ऊपर मस्त एफएम 103 के एक तो चैनल को लाइक करें, पेज को लाइक करें, और मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी लाइक करें. दैट इज ज़ेबी ऑफिशियल. एंड इफ यू वांट टू से एनीथिंग टू मी, स्ट्रेट अवे से टू मी. मतलब आई मीन गोल गोल क्या घूमना, स्ट्रेट अवे से. Yes, Zebi Official. ZEBIOFFICIAL. Zebi Official. कोई स्पेस नहीं है. Zebi Official इकट्ठा लिखना है. यही मेरा ट्विटर हैंडल भी है. इंस्टा पे भी जाइए. कैच मी. मैंने ख्वाबों में तुम्हारा नूर देखा है. दिल ने भी तुमको कहीं तो जरूर देखा है. तेरा चेहरा सुनहरा आंखों में लेके जगा. क्या जानता था तू भी था मेरा, अब जो मिला तो लगा. देर से ही सही मगर तू मिला, मिला तो है ना धीरे धीरे सही मगर फासला.
कल हूँ मैं पास इतना तेरे सारी तेरी आती जाती मैं गिन सकूं धड़कने कनेक्शन तो होते हैं लेकिन मेरा अभी इतना कनेक्शन नहीं आपसे डेवलप हुआ कि मुझे ये पता लग जाए कि आप इस वक्त बिना आपके बताए हुए मैं कहाँ पे हूँ, आप कहाँ पे हैं। और वैसे कभी कभी तो आपको आपके बहुत करीब के जो लोग हैं उनके उनके बारे में भी ये मालूम करना, मतलब एक दिल दिल को रहती तो है, एक धड़क सी रहती है कि धड़क धड़क मतलब वो कैसा होगा, वो कैसी होगी, एंड क्या कह रहा होगा, तो आप ये सोचते रहते हैं पीछे। और फिर सर्टनली बहुत सारी चीज़ें आपके मन में आती हैं, फिर आप जो है वो आप यूजुअली अपने रिलेशनशिप में अपने लोगों को बहुत ट्रैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आपको ये चाहिए होता है कि होता है कि आपको मालूम हो हर चीज़ ना, कोई क्या है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। लड़ाइयाँ भी होती हैं इस वजह से, हाँ तुमने मुझे बताया नहीं, ये क्यों हुआ, किधर क्यों चले गए, किधर क्यों चली गई, थिंग्स लाइक दिस ना। और एक तरफ तो ये पोजीशन है, दूसरी तरफ जो है वो कुछ इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, और तीसरी तरफ हाँ ये थोड़ा प्यार भी है, कुछ एक्सपेक्टेशंस भी हैं, और कहीं के ऊपर बेवकूफ़ियाँ भी हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप पता नहीं किस में जो है वो इस इन सारी कैटेगरीज में कहाँ पे जो है वो खड़े हैं, ये मतलब बंदे बंदी को किसी को देख के ही जो है बंदा ज़्यादा इसको बेहतर जो है वो बता सकता है। लेट्स गेट बैक टू दिस शो। दोस्तों हम लोग आज नामों के बारे में बात कर रहे हैं कि नाम क्या पर्सनालिटीज के ऊपर कोई असर रखते हैं। आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड कि आज मैं किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट को लूँ, हाँ या सामिया या कोई और क्या सायरा क्या, हाँ हमारी यहाँ कुछ है ना चार पाँच पाकिस्तान में, और बहुत सारे नौजवान जो हैं वो भी जो है पढ़ रहे हैं, ये सीख रहे हैं। चलिए लेकिन हम अपने लिसनर्स से ज़रूर बातें करेंगे। आज हम आप अपनी लाइंस अब आपके लिए ओपन करेंगे और हम आपसे बात करेंगे, लाइव कॉल्स लेंगे। तो कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद सारे लोग तैयार हो जाएं और हमें कॉलें करना शुरू कर दें। यस, और आपने कॉल कहाँ पे हमें करनी है, 041, ये नंबर हम आपको बता दूँ, इट्स अ कोड 0415710 3 नामों का आपकी पर्सनालिटीज के ऊपर असर होता है या फिर नहीं होता है। हमारे साथ कोमल है, कोमल ने कहा ज़ेबी एक बहुत गहरा असर होता है, और आई एम सुपर स्मार्ट और मैं जो है वो बहुत पोलाइट हूँ, और मुझे मेरे लोग ये कहते हैं मेरे अब्बा के नाम ने मुझे जो है वो ऐसा बना दिया है। ओके जी, अब्बा के नाम ने नहीं, अब्बा के दिए गए नाम ने गुड़िया। तो यूजुअली हमें थोड़ी अपने उर्दू को जो है वो बेहतर करना चाहिए ना। लोग वैसे बहुत इल्ज़ाम लगाते हैं रेडियो वालों के ऊपर कि रेडियो वाले उर्दू शायद आपकी, लेकिन एक बिल्कुल इसका कंट्रोडिक्टरी व्यू ये भी है कि आपकी आपकी उर्दू बहुत अच्छी करते हैं, आपको बताते हैं, सुनाते हैं, समझाते हैं। सोचिए ज़रा,
मैं जब रेडियो शुरू किया तो मैंने देखा कि किस तरह से ओवर लाइक ईयर्स किस तरह से लोग चेंज हुए हैं, उनकी बातें कैसे चेंज हुई हैं. तो मैंने लोगों को बदलते हुए देखा है और वो बदलते हुए यहाँ पे देखा है. तो वन ऑफ द एग्जाम्पल है कि जैसे लोग बदल रहे हैं. ओके जी, आप हमारे साथ आएंगे, हमें बताएंगे, कॉलिंग करेंगे, दिल की बातें करेंगे. मैं बस ये थोड़ी देर के लिए एक नदिया पार कर लूं और नदिया पार करके मैं आता हूं आपसे कुछ और बातें करने के लिए. सो वुड यू लाइक टू हेल्प मी कि ये नदिया पार कर लूं मैं. ओके, कौन कौन हेल्प कर सकता है? ओके चलें, मुझे मेरी नदिया पार करने के लिए कोई हेल्प करेगा तो फटाफट से अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज मोड में आए, एफ एस डी लिखें, एफ एंड एस एंड डी. एफ एस डी लिखने के बाद एक स्पेस दें, उसके बाद अपना नाम लिखें और बताएं हु गोना कम टू हेल्प मी टू क्रॉस नदिया. ओके, और आइए फेसबुक पे आइए, ट्विटर पे आइए, इंस्टा पे आइए, कैच मी, से मी वट एवर यू वॉन्ट टू से टू मी. दैट्स ज़ेबी ऑफिशियल, ZEBIOFFICIAL, ज़ेबी ऑफिशियल. आप गूगल पे भी लिखेंगे, यू विल बी एबल टू फाइंड मी. हियर वी गो. नदिया पार पार करके टुकड़ चार चार करके बहुत चली कहीं दूर कहीं. इतनी पुरानी है मेरी ये कहानी के अब अफसानों में भी नहीं रहे. नदिया पार पार करके टुकड़ चार चार करके बहुत चली कहीं दूर कहीं.
Welcome back, ladies and gentlemen. That was Nadia Par Par Karke. Thank you so much, everyone. Hamare saath rehne ka aur apne khayal dene ka hai, apni baatein dene ka. Karachi, Lahore, Multan, Faisalabad, Islamabad. And I'm hoping that sab log jaag rahe honge. Kitna jaag rahe hain, kitna nahi jaag rahe. I know, लोग बड़े लेट नाइट एक्टिव हो गए हैं रातों की एक्टिविटीज़ और स्पेशली लाइक लंबी लंबी बातें पढ़ना पढ़ाना और हाँ ना आप पता है ना पढ़ भी रहे होते हैं पढ़ा भी रहे होते हैं और फिर आपको पता है कि कुछ लोग अपने आप के अंदर ही जो है वो मगन होते हैं ना? और ये अपने अंदर भी जो रहना है ना ये भी एक खास फीलिंग है एक खास बात है न जाने कितने लोगों को आता है कितने लोगों को नहीं आता कितने लोग इस तरह से अपने आप के साथ गुजर रहे हैं लेकिन मैंने देखा कि लोग अपने से प्यार करने वाले बहुत बढ़ रहे हैं या लोगों को अपना एहसास ज़्यादा हो रहा है इसकी एक वजह तो आप खुद है आपका नहीं तो फिर जो दूसरे लोग भी होते हैं वो थोड़ा सा वो भी ये एहसास दिलाते हैं कि आपको अपना ख्याल रखना है स्पेशली जो आपके साथ प्यार के साथ जुड़े हुए होते हैं आयजा हमारे साथ हैं वी हैव रुबीना बोथ लिसनिंग टू मी एंड सेइंग कि यस बिल्कुल हमें फ़र्क पड़ता है और नामों से जो है वो तबीयत या नामों से जो है वो आपकी जो है वो शख्सियत निखरती है अच्छा दानिया हमारे साथ हैं दानिया का बड़ा इंटरेस्टिंग व्यू है कि जेबी हर बंदा हर बंदी का नाम जो है वो अच्छा वाला देख के रखा जाता है मतलब किसी का नाम का मतलब जो है वो कोई बुरा नहीं होता मुझे तो कहती है कम से कम इतने लोग मिले हैं एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट हाँ सही बात है मतलब सोचिए ज़रा आप अपने बहन भाइयों के सबके नाम कोई सितारा होगा कोई होगा मतलब मेरा नाम जहाँ ज़ेब है तो दुनिया की रोशनी दुनिया की ज़ेबाइश दुनिया की खूबसूरती लो जी चेक कर लो दुनिया की खूबसूरती एंड ऑल अच्छा एनीवे ऐसे ही लोगों के सब लोगों के नाम जो है वो ऐसे ही रखे होते हैं ना मतलब चुन चुन के जो है देखते हैं कि ये वो विच इज़ द बेस्ट वन ना फिर कभी कोई देखता है फला आजकल वैसे टर्किश नेम जो है वो काफ़ी हमारे यहाँ डिपेंडिंग अपॉन हमारे यहाँ क्योंकि इट्स अपॉन द सीज़न इज़ अपॉन लाइक क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं अरबिक हमेशा वैसे अरबिक तो हमारे रही हैं ना और कुछ हमारे जो है वो उर्दू नेम एंड साथ साथ में जो है वो पर्शियन एंड पर्शियन नेम बहुत सारे लोग जो है वो रखते हैं और अभी जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि टर्किश नेम भी जो है वो काफ़ी चाहिए सो दोस्तों आप अपने नाम बताएंगे और अपने नामों के साथ आप बताएंगे कि नामों के मतलब जो है वो कितना आपके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं लाइव कॉल अगर करना चाहते हैं तो 0418557103 पे आप कॉल करेंगे यस 0418557103 ये हमारा लाइव नंबर है जिसके ऊपर आप हमें कॉल करेंगे और दूसरी साइट के ऊपर अगर आप मैसेज करना चाहते हैं तो मैसेज के लिए बड़ा सिंपल तरीका है मेरे दोस्तों FSD लिखें अपने मोबाइल के राइट मैसेज मोड में एक स्पेस दें उसके बाद नाम लिखें और सेंड कर दें 6278 पे तो गाना सुने एक और सो हेवी गो विद द ब्यूटीफुल सॉन्ग विद शुजाहिद ज़माने ने तेरी मेरी कहानियां कर दे कोई नवाजिश करम मेहरबानियां ये आरज़ू देखी नहीं जमाने ने तेरी मेरी जवानियां कर दे कोई नवाजिश करम जाता है सरहाने आसमां जाने कहां मुड़ जाती है
देखते देखते तुझे ये गलियां तेरी तरह खुशबू चले तारे हमारी तरह रातों से मिले कमीजे हैं राजाओं की सोनी सोनी तेरी अखियों से बहती है नींदे और नींदों में सपने कभी तो किनारे पे उतर मेरे सपनों से आ जा जमीन पे और मिल जा कहीं पे Hey, welcome back, ladies and gentlemen. अखियों से कभी मेरी अखियों की सुन. आप लोग हमारे साथ हैं मस्त FM 103 पे. हमें अपनी बातें बता रहे हैं और पाकिस्तान भर से हमें सुन रहे हैं. ये कुछ लाइव कॉलर हैं जिन्होंने मेरे समय ऐसे इतने मौसम में पंखा तो नहीं चला सकता. कोई है हमारे साथ? सलाम अलैकुम. हेलो हेलो जी मेरे दोस्त, क्या हाल है आप लोगों का? किन घुमन खेरियों में हम चले गए हैं? अच्छा ओके जी, थोड़ी सी कॉल जो है वो शायद कनेक्ट होने के अंदर प्रॉब्लम है और शायद अगर हमारी कोई टेक्निकल टीम से भी जो है वो डेफिनेटली समबडी विल कम टू सपोर्ट और इसको देखते हैं. Yeah.
कभी मेरी अखियों की सुनी। Beautiful song, ladies and gentlemen, Surreeli Akhiyon Wale, Rahat Fateh Ali Khan. Although, अच्छा मैंने ये देखा है कि जब भी हमारे हमारे यहाँ क्रॉस बॉर्डर जब म्यूजिक के ऊपर जब बंदिश लगती है और जब आर्टिस्टों को जो है वो एक से दूसरी जगह जाने में या थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जब इनकी आ जाती हैं, तो इट्स वन वे अ चांस के हमारे यहाँ मतलब प्रॉब्ली हमारी तरह इंडस्ट्री जो है वो म्यूज़िक की इतनी बड़ी नहीं है, छोटी है, तो हमारे पास एक पूरा बड़ा चांस रहता है कि हम ज़्यादा म्यूज़िक प्रोड्यूस करें और कुछ अपनी चीज़ों के ऊपर काम करें। जो दिस इज़ व्हाट मैं जो अपने जितने भी हमारे जो मेरे कम अज़ कम ग्रुप में जो लोग हैं सिंगर, जो मैं उनको हमेशा ये उनके साथ शेयर करता हूँ अपनी मेरी फीलिंग, ताकि हमारा ज़्यादा काम जो है वो आए, और फिर को जब ज़्यादा काम आएगा तो फिर हमारे हमें बहुत सारी जो है वो फैसिलिटेशन हमारी इंडस्ट्री भी जो है वो आगे बढ़ेगी। अच्छा एनीवे लोगों ने बहुत सारे गाने सुने होंगे, लेकिन मैं अभी जो आपको गाना सुनाने लगा हूँ ना, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। अच्छा ये पूरा अंतरा सुन ले, ये आपको इस गाने की जान है, ये गाना इस गाने के जब इस अंतरे के उस पार आएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा। अगर आप हमें कॉल करना चाहें, बताना चाहें आपके नाम का मतलब क्या है और नामों का क्या आपकी पर्सनालिटीज के ऊपर असर पड़ता है, हमें ज़रूर बताइए 0418557103। यस अगर मैं गलत नहीं हूँ नंबर नजरें सही, हाँ 0418557103। हियर वी गो। जाने तू कहाँ है उड़ती हवा में तेरे पैरों के निशान देखे, ढूंढा है जमीन पे छाना है फलक पे सारे आसमां देखे, मिल जा कहीं समय से परे से कभी मेरी अखियों की सुन। Every time I look into your eyes, I see my paradise. The stars are shining bright up in the sky, painting words of desire. Can this be real? Are you the one for me? You've captured my mind, my heart, my soul. Now I know you're the one. So welcome back, ladies and gentlemen. A bit of delay, लेकिन हम लोग उसके बाद वापस आप सब लोगों के साथ अपने दोस्तों के साथ। जी हमारे साथ कॉलर है और ये कॉलर जो है वो इस वक्त मुझे लगता है कि जी अस्सलाम वालेकुम, कौन हमारे साथ है? हेलो हेलो, वीडियो गेम खेल रहे हैं ना? हाँ वालेकुम सलाम जी, कौन हमारे साथ हैं? क्या हाल चाल है? जिशान बात कर रहा हूँ लाहौर से। अच्छा जिशान, क्या हाल है यार आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, देवी भाई आप खैरियत है? अच्छा लाहौर जाग रहा है? हेलो जिशान, लाहौर जाग रहा है ना? जी लाहौर जाग रहा है? जी जी बिल्कुल जाग रहा हूँ, आपकी आवाज सुन रहा हूँ, प्यारी सी आवाज सुन रहा हूँ आपकी। अच्छा कराची भी जाग रहा है भाई, कराची भी जाग रहा है, इस्लामाबाद भी जाग रहा है, अभी आपको पता लग जाएगा। हाँ अच्छा मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। हाँ आपका तो पता लग गया, आप तो लाहौरिये हैं, आपकी तो आपके तो लाहौर कहने से पता लग गया लाहौर से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा क्या करते हो? मैं तो क्रिकेट खेलता हूँ। क्रिकेट खेलते हो, मतलब कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हो? कैसे खेलते? प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्लब क्रिकेट। अच्छा क्लब क्रिकेट खेल रहे हो, चलो दैट्स ग्रेट यार, बहुत इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ आगे नहीं आएगा। आजकल तो भाई यंगस्टर्स जो हैं वो इतने सारे टीम में डाले हैं और कह भी रहे हैं कि अभी और यंगस्टर्स को भी डालेंगे, और देखें आपके लिए भी अब कोई ऐसा नहीं है कि सब पाकिस्तान की टीम है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, फिर उसके बाद PSL है, ये सारी आप ही के लिए तो है। PSL में चार बार ट्रायल दी है। PSL में मैं चार बार ट्रायल दे चुका हूँ। अच्छा लेकिन अभी आप सिलेक्ट नहीं हुआ?
नहीं अभी तक सिलेक्ट नहीं। क्या बॉलिंग कर रहे हो आप, बैटिंग करते हो क्या? मैं लेग स्पिन बॉलिंग करता हूँ। ओहो, अब्दुल कादिर है ना? जी जी, आप मुझे यूट्यूब पे देख सकते हैं। क्या, अच्छा आपका नाम पूरा क्या है? राइजिंग लेग स्पिनर लाइफ इन समलाबाद लाहौर। अच्छा चले यार, दैट्स ग्रेट यार, समलाबाद से बहुत बड़े बड़े लोग जो है वो क्रिकेटर निकले हैं, आपको पता है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। चले, विशिंग यू गुड लक। अब ये बताएं आपके आपके नाम का मतलब क्या है? मेरे नाम का मतलब है आला शान वाला। आला शान वाला, क्या बात है यार, अल्लाह ताला। निशान हैदर का मतलब, निशान हैदर का मतलब है आला शान वाला शेर। जियो आला शान वाले शेर हमारे दोस्त, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी यार। समनाबाद के बारबेक्यू ना, एक वो जो नहीं है यार आपके चुबुर्जी के साथ, चुबुर्जी से आता तो मुझे बहुत पसंद है। ओके अच्छा अच्छा। हाँ तो मैं जब भी बहुत पुराने दिनों के अंदर जब मैं NCA या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी दोस्तों के पास जाया करता था, तो मैं उनसे कहा करता था कि यार वहां से बारबेक्यू मंगवाओ। अच्छा ओके, थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। लेडीज एंड जेंटलमैन, ज़ीशान हैदर हमारे साथ थे, और आप भी जो इस्लामाबाद में है, कराची में है, हमारे साथ आएंगे, फैसलाबादी भी, एंड मुल्तान। यार मुल्तान कहाँ है भाई? मुल्तान से जो है वो आपको पता है हमारी बहुत प्यारी मोहब्बत है मुल्तान। तो हमें बताइएगा कि नामों का आपकी पर्सनालिटीज पे कितना असर पड़ता है, और आपके नाम का मतलब क्या है, और आपको कभी आपने ये कभी गेज किया, कभी आपने ये परखा जाना है कि यार शायद मेरे नाम की वजह से मेरे अंदर ये क्वालिटी है और ये क्वालिटी नहीं है, या ये होना चाहिए था, एंड ऑल दैट। सो दोस्तों हमारे साथ रहिए, अपने दिल की बातें करिए, और जैसे मैंने कहा था ना कि ये जो सबसे इसका की अंतरा है ना, वो आप सब लोगों के सामने पेशे खिदमत है। वी गो जाने तू कहाँ है, उड़ती हवा पे तेरे पैरों के निशान देखे, जाने तू कहाँ है, उड़ती हवा पे तेरे पैरों के निशान देखे, ढूंढा है जमीन फलक पे सारे आसमां देखे, मिल जा कहीं समय से परे, समय से परे, मिल जा कहीं तू भी अखियों से कभी मेरी अखियों की सुन। Hey दोस्तों, welcome back in the show. मुझे Zebi कहते हैं, and you are listening to the Zebi show. कोई अजनबी जो अपना सा लगता है। So दोस्तों, हम प्यार करने वालों को कभी 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 हम उनको अपनी मोहब्बत की वजह से उनके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, मालूम करना चाहते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ये जो इमोशनल अटैचमेंट है ये पोजीशन में ढल रही है, और वो पोजीशन हमें ये तंग करता है कि हम लम्हे लम्हे का अपने प्यार करने वालों के बारे में ख्याल रखें। मतलब हम ये चाहते हैं कि उनकी दुनिया, जिनसे हम प्यार कर रहे हैं, उनकी दुनिया हर वक्त हमारी आंखों के सामने हो, या हमारे पास कोई ताकत हो कि हम उनको हर वक्त देखें, ट्रैक करें। हाँ, इसीलिए जो है वो हम उनका पीछे 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 करते रहते हैं। कभी कभी ये पागलपन भी बन जाता है, और कभी कभी ये बेवकूफ़ी भी होती है आपकी, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि बस हर वक्त कोई आपके साथ ही जुड़ा रहना चाहिए, तो आप किसी दूसरे की पर्सनल स्पेस को बहुत कम कर देते हैं। यू नो, आप कैसे हैं, आपके साथ क्या चल रहा है, बट विशिंग एवरीवन गुड लक। जाने तू कहाँ है, उड़ती हवा पे तेरे मोहब्बत यूं भी मुमकिन है, मोहब्बत यूं भी मुमकिन है, ना उसको देर तक तकना, ना उससे बहुत सी बातें, ना कोई प्यार के किस्से, ना आखिर शब मना जाए,
मोहब्बत यूं भी होती है, मोहब्बत यूं भी मुमकिन है. कभी कुछ आम से जुमले, कभी कुछ आम सी बातें, कभी बस मुस्कुरा देना, कभी नजरें चुरा लेना. मोहब्बत यूं भी होती है, मोहब्बत यूं भी होती है. Thank you so much for listening to Mast from 103. And this is all about the Zebi show. And right now, we're gonna go for a wonderful, wonderful track. So, ladies and gentlemen, here we go. Here we go. For Bari. Garam garam cha. So, enjoy. भूल गई गरम गरम चा हथते डुल गई हथते डुल गई जा सजना ऐसी तेरी निगाह सजना जांदी जांदी दसदी जा तू दिल दे विच की तेरे मैं सुनिया उच्चियां दीवारां रखियां नी तू दिल दे चार चफेरे रखती है आपके लिए कितनी अहम होती है मैं आंखों से देखता हूँ
काश वो मुझसे इस दिल चार चफेरे लाल सांब के रख लिया कोई दिल तेरा ना ले डेरे ते मेरा पहला भी दिल टूटिया हाय टूटिया मेरा एक बारी तायो दिल दी दीवारां ते मैं एक न बना की पारी फासले कम ना हो सके आमना सामना रहा परसों साथ रह के भी ना ट्रेन की पटरी की तरह लोग मिल ही नहीं पाते तो मेरा ख्याल है कि हमें आज मैं सुबह सोच रहा था कि उन लोगों को सबसे पहले तो आपको अपनी अपने इर्द-गिर्द अपने लेफ्ट और राइट यानी अपने अपने घरों में अपने दोस्तों में सब चीजों को जो है ना वो बिल्कुल ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए When you go home, मतलब कभी-कभी आप कितनी सारी चीजें अपने पीछे बुरी छोड़ के आ रहे होते हैं और कुछ अच्छी चीजों के तलाश के अंदर बाहर निकल रहे होते हैं। सब अच्छी चीजें आप ही के करीब हैं, बस उनको अच्छा करने की जरूरत है। So जरा करके तो देखें, believe me करके तो देखें, देखिएगा कितना जबरदस्त लगेगा आपको, कितना अच्छा होगा। आप लोग सुन रहे हैं मस्त एफएम 103 कराची लाहौर मुल्तान फैसलाबाद इस्लामाबाद और दुनिया भर में हमारी स्ट्रीमिंग लिंक पे आप लोग हमें सुन रहे हैं मोबाइल एप्लीकेशन पे आप हमें सुन सकते हैं सुन रहे हैं तू जिए थे तेरी आई आप मर लांगे तू जिए थे तेरी आई आप मर लांगे तू कर ओके द सॉन्ग वाज Beautiful, sung by Bilal and Momina Mustasin. Acha ji, okay. Let me go for another beautiful song. Acha, hum log jo hume sun rahe hain, wo namo ki kahaniyan chale. Busha, aapka bahut bahut shukriya. Komal hamare saath hai. Komal ka pehle bhi hume message aaya. Wo kehti hai ki mera jo naam ki wajah se main bahut soft spoken hu. Hira hamare saath hai. Hira ka naam kya hai? Hira. हीरा का मतलब क्या है हीरा हो सकता है डायमंड हो सकता है क्या हो सकता है भाई मुझे नहीं पता हमना आमिर हमारे साथ है लाइकिंग द शो अनीला थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द शो रजा साहब हैं इफ्तिखार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया यस आपको जी डेडिकेट करते हैं हम लोग गाना हेलो माय नेम इज फातिमा अलवी अच्छा जी थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग टू द शो हमारे साथ यासिर शाह हैं झंग से कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर शो सुन रहा हूँ अच्छा स्टूडेंट लाइफ में जरा सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए ये उनकी कमेंट है अली हसन कहते हैं बहुत आला एंड वो कहते हैं टॉपिक नाम में क्या रखा है नाम जेबी तो गुड है जेबी गुड गुड जॉब एफएम 103 अदर टॉपिक्स और टॉपिक के ऊपर क्या कभी कमेंट नहीं कर रहे हैं क्या हाँ सी ओ एम टी क्या कहते हैं यार नो कमेंट फॉर नो कमेंट अच्छा इफ यू स्टिल बिलीव आई एम जोकिंग हु इज देयर अच्छा कॉन्ट्रैक्ट किलर यार ये कौन है भाई कॉन्ट्रैक्ट किलर माय नेम इज अस्कार और मुझे जो है वो अजकी जो है वो नेम बहुत पसंद है अच्छा इसका अजकर या अस्कार जो भी आपका नाम है इसका मतलब क्या है यार ये आपने बताया नहीं है फराज अली हमारे साथ हैं अपने बारे में सब सीधा सीधा कहो और सीधा सीधे कहना चाहिए हाँ ना और जिंदगी के अंदर जो है वो सीधी सीधी बातें सीधी सीधी लगती नहीं है सवार राजपूत हमारे साथ ऐसे हैं अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम टू यू टू नेम्स डू नॉट इन्फ्लुएंस पर्सन्स पर्सनालिटी तैयबा क्यों हमें कह रहे हैं आज ओके जी दिस इज जस्ट आवर बिलीव एंड आई हैव सीन मैनी बैड पीपल विद गुड नेम And some good people with bad name. नहीं ये इन्होंने लिखा नहीं नहीं मैंने आगे से जब कह दिया Now it has become old saying कि नामों की वजह से कुछ बदलता है ओके अच्छा मैं वैसे बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि नामों की वजह से कुछ बदलता है मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि क्या आप लोगों का ऐसा बिलीव है कि नहीं मैंने तो ये पहले कहा है कि हर बंदे ने अपने नाम अच्छे रखे होते थे और अच्छे नामों से दुनिया अच्छी तो नहीं है ना हमें तो अच्छी से ज्यादा हमें इर्द गिर्द अगर मैं निकले तो हमें और आपको क्या नजर आता है हाँ
You know very well. So ladies and gentlemen, enjoy a beautiful, beautiful song. So super beautiful song. Enjoy. This time Sajjad Ali da. And song name is Tum Naraaz Ho. अच्छा आप लोगों से अगर कोई नाराज है ना तो फटाफट से मुझे बताइए क्योंकि ये किसी को मनाने के लिए बड़ा जबरदस्त गाना है तो प्यार करने वालों के लिए नाराज होने वालों के लिए गाना हम डेडिकेट करेंगे फटाफट से अपना मोबाइल फोन उठाइए राइट मैसेज मोड में उसके FSD लिखें FSD लिखने के बाद एक स्पेस दें उसके बाद अपना नाम लिखें और जिससे नाराज है उसको भी लिख के भेजें ताकि मैं उनको डेडिकेट करूँ ये गाना वो जो मुझे लिख के सेंड कर दें 6278 पे सेंड करें या फिर ज़ेबी ऑफिशियल पे जाइए मेरे फेसबुक कम्युनिटी पेज पे वहां पे जाके कमेंट कीजिए ताकि हम आपकी डेडिकेशन जो है वो फटाफट से ऑन एयर करें सुन जाए तुम नाराज हो जो हुआ लहरों की ज़बान को समझो जरा छोड़ो भी गिला हुआ जो हुआ लहरों की जुबान को समझो जरा छोड़ो भी गिला हुआ जो हुआ लहरों की जुबान को जरा समझो समझो क्या कहती है हवा
ladies and gentlemen. This is Mast 103. A lot of messages. आप लोगों की बहुत सारी बातें और नाराज लोग जो हैं उनके लिए कुछ. हाँ, आलिया कह रही हैं तंजील को कि मान जाओ तुम नाराज हो. सो तंजील, आई डोंट नो, नो मैटर यार, व्हाटएवर द रीजन इज दिस. मैं आपको एक बात बताऊं, अभी कुछ दिन पहले की एक बात है, और मेरे सामने ना मतलब किसी के दरमियान छोटी सी लड़ाई हुई है. मैं उनके दरमियान जो है वो चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रहा था, और किसी को ये, किसी ने ये कहा कि फलां ने मुझे ये गलत बात कही है. अच्छा, अब उसने कही थी वो बात, जब मैंने इंक्वायर किया तो मुझे मालूम पड़ा कि यार ये, हाँ ये कही थी उसने. लेकिन जब हम बैठे हैं तो जिसने ये वो कहा था वो उससे मुकर गया. अच्छा, मुझे दूसरा बंदा जो जिसको कही थी, क्योंकि उसने, उसके तो सामने कही थी उसने, और आमने सामने एक दूसरे के, तो लेकिन वो, फिर मैंने उसको ये समझाया कहीं थोड़ा अलग करके कि अगर चलो एक बुरी बात थी, हार्ड वर्ड्स थे, अगर तुम्हें इसने बोल दिया लेकिन आज उससे मुकर रहा है, स्टेप बैक कर रहा है, तो यार तुम उसकी इस स्टेटमेंट को लो, तुम इसकी इस बात को सो. यानी इसका मतलब है कि ये भी एक नदामत है, या ये भी उसके लिए, उसके अंदर, उसके पास ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो उसके ऊपर खड़ा रहे. उससे लड़ना चाहिए अगर वो खड़ा रहे कि मैं इस बात के ऊपर हूँ. अगर वो स्टेप बैक कर गया है और उसको कही हुई बात को भी जो है वो नहीं मान रहा. अब ऐसे ज़िंदगी में कितने सारे लोग आपके सामने कुछ कहते होंगे कि जी फलां ने आपके बारे में फलां जगह पे ये कहा था, मैंने खुद सुना था, आप नहीं वहाँ पे होते. अब अभी किसी और मोमेंट के ऊपर वो आपके सामने आता है और आपको कहता है कि नहीं, तो ओके, मेरा ख्याल है कि उनको हमें दरगुजर कर देना चाहिए, छोड़ देना, क्योंकि जब उनके पास ये हौसला ही नहीं है कि वो उसको माने, जब उनको माने तो तभी आप डायलॉग करेंगे ना कि क्यों आपने ये कहा, क्यों आपने ये बात की, एंड ऑल द स्टफ. तो इसलिए उनको छोड़ देना चाहिए जिनके पास जो है वो अपनी बातों का बैक करने का हौसला नहीं हो. इसका मतलब है कि या तो, मुझे पता है आप ये सोचेंगे शायद इसके पीछे एक चलाकी भी है, टाइम तो गुजारना भी है, लेकिन चलिए ना, दैट्स अ बैड थिंग ऑफ समवन कि जो उससे जो है वो पीछे जा रहा है. तो यू नीड टू गो इन योर स्टीम, एंड आपको बस इसको अपने तरह से सोचना है. शाहिद हमारे साथ हैं, वी हैव परवेज मेमन साहब, हेलो. अच्छा जी, उमर हमारे साथ हैं, उमर हमारे साथ हैं, परवेज मेमन साहब पाक आर्मी से ज्वाइन करता है. भाई आपका शो जो है वो बहुत अच्छा है, और जब से जो है वो सुन रहा हूँ सबको मेरा सलाम. अच्छा जी, यस, दस आपका सलाम पहुंच गया जी. जैफा जैट हमारे साथ हैं, टू माय यू नो ओके यार, कोई इन्होंने ये कोड वर्ड में ये कह दिया. हाफिज रऊफ अहमद साहब मुल्तान से, भाई मेरे नाम का मतलब है मेहरबान और रहमान, रहमान. अच्छा चले जी, कामरान फ्रॉम क्लिफ्टन हमें कराची से, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी विंटर टू लुकिंग गुड, विंटर टू लुकिंग गुड जानजेब, हाउ आर यू, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, थैंक यू फॉर विशिंग मी लॉट ऑफ थिंग्स. सो वो कहते हैं कि आपने नदिया पार किया. अरे यार, नदिया पार नहीं मैंने किया, रियली अमेजिंग, मेरी जिंदगी मुझे बड़ी, उन्होंने कहा आपने नदिया, आपने नदिया पार किया. अच्छा, नदिया आपने कहा, ओके. सो कामरन, मैंने नदिया पार, बिल्कुल यार, नदिया आपको पता है सोनी पार कर गई थी ना, कच्चे घड़े के ऊपर बैठ गए, तो इसका मतलब ये है कि हम भी नदिया पार कर ही लेंगे यार, हमारे पास तो भी बहुत सारी चीज़ें भी आ गई हैं. अच्छा, आगे कौन सा जी, मिठाई प्लीज डायरेक्ट दिस सॉन्ग टू माई लव. अच्छा, वो कहते हैं कि हमारे साथ मिठाई कोई है, मिठाई प्लीज डेडिकेट दिस सॉन्ग टू माय लव अली. अच्छा, अली को ये डेडिकेट करना है. मिठाई, इज दैट अ नेम और समथिंग एल्स, प्लीज मुझे क्लियर करिएगा जो भी कोई है. सॉरी सर, मेरा नाम यासिर शाह नहीं है, मेरा नाम यासीन शाह है बॉस, लगता है. अच्छा, एक हमारा बच्चा है बहुत ही जबरदस्त, वेरी गुड ब्रदर ऑफ माइन, यंगर ब्रदर ऑफ माइन, नसीम शाह, अनफॉर्चुनेटली अभी तक सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन आई एम टेलिंग यू दैट बहुत ज़्यादा हिट करेगा, अभी पाकिस्तान की टीम के साथ खेल रहा है. अच्छा जी, तो लेकिन ये है कोई यासिर शाह नहीं, बल्कि इनका नाम है यासीन शाह. यासीन शाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. सबा राजपूत है, एहसन नाराज हैं, ओए होए एहसन, प्लीज मान जाओ यार. जकिया जी हमारे साथ है पाकिस्तान से,
Zakia, thank you so much for liking the show. Huzaifa Jatt hai. Aripa ko dedicate karna chahte. Huzaifa Jatt, want to dedicate this song to Aripa. Aripa maan jaye bhai aap bhi. Badr Munir Shah sahab hain Jhang se. Aur sir, main jo hai wo 14th raat ka chamakta hua chand. Oho, kya baat hai. मेरे उनके नाम का एक्चुअली मुनीर का मुनीर मीन चराग ओके बदर मीन चौदवीं का चमकता हुआ चांद मुनीर का मीन जो है वो मुनीर का मतलब क्या है मीन है चराग अच्छा नेम रखने से लाइफ पे बहुत असर पड़ा रोशन हुई है इनकी लाइफ चराग रखने से ओके जी सो दोस्तों दैट्स ऑल अबाउट लोगों के नाम और उनकी जो है वो बहुत सारी बातें इन नामों के साथ जुड़ी हुई हैं तो क्या ख्याल है यार आप लोगों को कुछ और सुनाएं मैंने वैसे कुछ आपके लिए बड़ी जबरदस्त चीजें जो है वो निकाल के रखी हुई हैं बट राइट नाउ लिसन टू आफरीन आफरीन हम वापस आते हैं इस गाने के उस पार कुछ बातों के साथ आप कहाँ हैं क्या कर रहे हैं आप भी हमें जरूर बताइएगा 6278 पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं अच्छा यार मेरे फेसबुक पे बहुत सारे लोगों के कमेंट हैं वो मैं इस गाने के उस पार आऊंगा तो उनको डेडिकेशन भी करूंगा और उनके कमेंट भी लूंगा आंखें देखी तो मैं देखता रह गया जाम दो और दोनों ही दो आतिशां आंखें या मैं कदे के ये दो बाब है आंखें इनको कहूं या कहूं ख्वाब है आंखें नीची हुई तो हया बन गई आंखें ऊंची हुई तो दुआ बन गई आंखें उठ कर झुकी तो अदा बन गई आंखें झुक कर उठी तो कजा बन गई आंखें जिन में है कैदास मार जमी नरगिसी नरगिसी सुरमई सुरमई उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं आफरी 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 तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी आफरी 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 उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं उसने जाना की तारीफ मुमकिन ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई जिस्म नगमा कोई जिस्म खुशबू कोई जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी जिस्म जैसे के खिलता हुआ एक चमन जिस्म जैसे के सूरज की पहली किरण जिस्म तरशा हुआ दिल कशो दिल नशी संदली संदली मरमरी मरमरी उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं आफरी 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 तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी
आफरी हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन। वाओ क्या बात है यार, हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। आंखें जिन में है कैदास मार जमी, नरगिसी नरगिसी I want to dedicate this song to Hassan Shah. और हसन शाह को ये फातिमा नूर हैं जो डेडिकेट करना चाहती हैं। So हसन शाह, ये कहीं नाराज होने वाला चक्कर तो नहीं था हसन शाह वाला? अच्छा, I don't know, but okay, क्योंकि मैं इससे पहले वही बात कर रहा था। So हसन शाह आपको डेडिकेट करते हैं फातिमा की तरफ से। बहुत सारे दोस्तों ने मैसेज आए हैं, अनीस हमारे साथ हैं, अनीस आपके लिए, यास्मीन अहमद हैं सेइंग लवली प्लेलिस्ट, असद चीमा रिस्पेक्ट रिगार्ड, एंड शाइस्ता नजीब हमारे साथ हैं, यू आर कंडक्टिंग वेरी गुड प्रोग्राम, थैंक यू सो मच शाइस्ता नजीब। हमारे साथ सज्जाद अब्बास हैं, सॉरी साजिद अब्बास हैं हमारे साथ, अनस चीमा हमारे साथ हैं, सो अनस चीमा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वी हैव लेडीज एंड जेंटलमैन नूर फातिमा हमारे साथ हैं, ओके। तो हमारे सारे सुनने वाले जो जहां कहीं से भी हमारे साथ हैं, इट्स लवली टू सी यू गाइस, जैसे भी जहां जहां से भी आप हमें कमेंट करते हैं। And if still you are listening to me, you want to catch me 24/7, apni koi baatein kehna chahe, you can catch me on Facebook, Twitter, Instagram. It's very simple, Zebi official jo hai wo. Aap isse hume track karenge. Mera Twitter handle bhi ye hai, aur aap Facebook ke upar bhi mujhe track kar sakte hain. Zebi. Yes, ZebiOfficial. It's Zebi Official. तो Zebi Official के अंदर स्पेस नहीं डालनी, इकट्ठे लिखना है। जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे के खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे के सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिल कशो दिल नशी, संदली संदली मरमरी मरमरी। हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी टेक अ लिटिल टर्न, एंड राइट नाउ इट इज स्ट्रिंग्स सजनी। जो कुछ भी तुझसे भूल ये हुई है, माही आई एम डेडिकेट टू यू रुबीना आपके लिए रह गया। सो मिनहाज साहब हमारे साथ है, सो मिनहाज साहब टेक इट अवे, एंड दिस इज फिज़ा टू। कहना था जो कुछ भी तुझसे भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। नाओं पे लिखा आधा पौना झूठा सच्चा, लफ्जों के दरिया में बह गया। लाओ हाँ जल्दी से एक वादा तो कर ले, इधर देखो कहो तुम जी ले या मर ले। जो कुछ भी मैंने कंगन वाली झुमके गहने, सपना सा आँखों में रह गया। ओ बारिश घुंघरू छन 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 कहती है ये दिल की धड़कन, सावन तुमसे भी ये कह गया। लाओ हाँ जल्दी से एक वादा तो कर ले, धर
dosto, I'm back in the show. Thank you so much for listening to Massive 103. That's all about the show. Yaar, aaj humne kuch naamon ke baare mein, unke impact ke baare mein baat kahi hai. But yes, yaar, ye bilkul sahi baat hai. Achhe naam logon ko bhale lagte hain. Log koshish karte hain ki different ho. Matlab, जैसे आप जब पहनते हैं कुछ तो आपका दिल करता है कि यार ये कोई और ना पहने हैं. जब आप किसी को पसंद करते हैं तो आपका दिल करता है यार इसको कोई और पसंद नहीं करे. ये दिस इज व्हाट एग्जैक्टली कि जो आपके अंदर चल रहा होती हैं चीज़ें जो आपके मन से जुड़ी हुई हैं और कुछ ऐसे ही हम बस चलते रहते हैं और हमें बस कुछ ऐसी ही चीज़ें जो है वो पसंद रहती हैं. तो दोस्तों ऐसे ही नामों के अंदर भी हम कोशिश ऐसे ही करते हैं कि या नाम हमारे जो है वो किसी और के साथ नहीं जुड़े हों या ये बिल्कुल डिफरेंट. मैंने वैसे अपने नाम के लोग काफ़ी कम देखे हैं. ये दिस इज़ नॉट कि मैं ये कह रहा हूँ और अगर मैं गलत नहीं हूँ. मैं वैसे अपने अम्मा से पूछूँ, मेरा एक नाम और रखा था उन्होंने लेकिन वो साथ ही चेंज कर दिया था कुछ ही देर के बाद. वो क्या था नाम, शादाब था या कुछ और था? यार मैं पूछ के अपने किसी और शो में आपको बताऊँगा, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं. लेकिन ये मुझे बिल्कुल याद है कि एक दो साल मेरा नाम कुछ और चला है, उसके बाद मेरा नाम ये रखा है. एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट लाइक कि आप क्या हैं. जैसे हम किसी गोरे काले के साथ किसी अच्छे या बुरे होने का कोई तसव्वुर नहीं कर सकते, बल्कि किसी मज़हब के साथ जुड़े हुए किसी भी बंदे का जो है वो किसी अच्छे या बुरे का तसव्वुर नहीं कर सकते, बल्कि आपकी आपके एक्ट, आपका कैरेक्टर, आपकी बातें, आपका अमल, वो आपको डिफाइन करता है कि आप क्या हैं. तो इसलिए मेरे दोस्तों ओके, एक बात मैं ज़रूर ये कहूँगा अगर नामों के साथ जोड़ के, ऑल्दो कि आई बिलीव के नामों का कोई ऐसा नहीं है, असर नहीं है, तो आपके एक्ट जो हैं वो उनका असर है. लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि ये नाम जो है वो एक ड्राइव ज़रूर देते हैं आपको. काश अगर आप में से कितने, मैं और आप में से जो है वो कितने ऐसे लोग हैं जिनके पेरेंट्स ने उनको ये बताया हो कि बेटा आपका ये नाम है, उसका ये मतलब है, और अब जब आप ज़िंदगी में आए हैं, हमें इस दुनिया में रहना है, तो हमें इन नामों का या इन नामों की जो अहमियत है हमें उसका प्रचार करना है या हमें उसके उसके बारे में हमने सोचना है और उन बातों को जो हमारे साथ उसके साथ जुड़ी हुई हैं उनको हमें पूरा करना है ना. कैसे ना, जैसे हम एक छोटा सा चीज़ होती है हम उसको ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, ये लफ्ज़ हैं लेकिन ये ज़िंदगी की कहानी है, एक मिशन है, एक इनकलाब है, एक फिलॉसफी है. ऐसे ही नाम भी एक फिलॉसफी हो सकती है. तो बट दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक हाउ मैनी पीपल गिव यू द रियलाइजेशन. आपके टीचर, आपकी मदर, आपके फादर, क्या आपको कभी किसी ने ये रियलाइजेशन दी कि आपको इस नाम को फॉलो करना है? ये एक आपके आपके ऊपर एक एक चेक है. सो देयर इज Hello, hi, and assalamu alaikum, Karachi, Lahore, Multan, Faisalabad, Islamabad, aur Sajna jahan kahin bhi hain unko bhi pyar bhara salam. Puri duniya mein aap log hamein sun rahe hain, Pakistan mein straight away hamari airwaves pe aap log hamein sun rahe hain. I wish and pray sunne wale na sunne wale, jahan sunne wale se matlab ye nahi ki aapko sunai thoda kam deta hai. कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अच्छा यार वैसे ऐसे कानों का क्या फ़ायदा जो 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 चीज़ों को समझ नहीं सके. हाँ लगता है ना आपको कि जो आप आपके अंदर जो है वो इतना शऊर नहीं हो, इतनी समझ नहीं हो, या फिर होने के बाद अगर आप जो है वो चीज़ें जो सुननी चाहिए वो आप सुने ना, हाँ उनसे दूर भागे और आपको ऐसा लगे कि नहीं शायद ये तो कोई ये कोई प्रेशर है या इसको जो है वो नहीं सुनना, या सुन के जो है वो उनसे उनसे हम फ़ायदा ना लें उन चीज़ों से ना. हाउ बैड इट इज़. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसे सुनने वालों एंड सुनने ना सुनने वालों का मतलब ये है कि आप हमें शायद सुन रहे हों शो में, शायद आप हमें नहीं सुन रहे हों, बट आई विश प्रे कि सब लोग हंसते मुस्कुराते हुए हों, जिंदगियों में बहुत मज़े से हों. आज जब आप रात को सोने हुए जाएं तो चाहे कितनी भी टेंशन क्यों ना हो, कितना भी दिन के अंदर कोई बुरी बुरी बातें, किसी प्रोजेक्ट का ना मिलना, थोड़ा डिले होना, सुबह नई जॉब के लिए जाना, कोई इंटरव्यू,
या कोई और बात जो आपको शायद कहीं पे अटकी हुई है, इन सब चीजों से जो है वो परे निकल के कुछ खुशियों अपने इर्द गिर्द हो, मतलब यू नो ये डम्प्ड फीलिंग की जो चीजें हैं उनको छोड़ के आप यू लाइक कीप ऑन लुकिंग टू द ब्राइटर पिक्चर ऑफ द लाइफ, जहाँ पे आपकी मोहब्बत करने वाले उनकी यादें उनकी बातें जो है वो आपके साथ जुड़ी हुई हों, चाहे वो आपके साथ अभी हों या फिर नहीं भी हों. So this is what I wish for you. So दोस्तों, अगर ऐसा नहीं है तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपके अंदर चेंज लेके आऊं. Yes, that's my promise to everyone listening to me. यह आवाज जो आप तक पहुंच रही है, मुझे ज़ेबी कहते हैं. By the way, मेरा नाम जहां ज़ेब है, जहां ज़ेब तारिक नाम है, लेकिन मेरे दोस्त मुझे ज़ेबी कहते हैं, तो people like moreover keep on calling me जहां ज़ेब ज़ेबी और straight away ज़ेबी. So आपका भी जो दिल कहे आप मुझे कह सकते हैं. You know, नामों के अंदर क्या रखा है, नामों के अंदर बहुत कुछ रखा है. और नामों के अंदर क्या रखा है आज हम ये ढूंढने की कोशिश करेंगे. तो कहीं जाना नहीं, हमारे साथ रहना है. Enjoy my signature number. आए हाय, शाम ढले के जब पंछी आए हैं, कहते हैं कि अगर सुबह का भूला शाम में आ जाए तो वो भूला नहीं है. उसको स्पेस देनी चाहिए, उसको रख लेना चाहिए, मान लेना चाहिए उसकी बातों को. याद चले उदास शाम में आ गई हैं कि नहीं, उदास रातें आ गई हैं कि नहीं. इन उदास रातों में भी आपके पास बहुत कुछ हो ना, लेकिन ये उदासियां भी हो तो बहुत अच्छा, बिकॉज उदासियां भी तो किसी ना किसी के होने के बाद होती है ना. मीन इज दिस के अगर समवेयर अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ है तो फिर आप एक बार फिर से स्ट्राइव करेंगे उन उदासियों को खत्म करने की, या वो उदासियां खुद ब खुद खत्म होंगी जैसे आपके लिए किसी ने सोची हुई हो. हाँ, तो दोस्तों इन्हीं सब बातों के साथ enjoy the signature number of mine. We'll catch you right after this. कहीं जाना नहीं है, मेरे साथ रहना है, एंड पक्का वाला साथ रहना है. चले मेरे दिल में तेरी याद चले. कोई गाए अनोखे तराने हो, कोई गाए अनोखे तराने. जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आ जा साजना. रंगीले सुहाने मौसमों के दरमियान हम आपके साथ हैं. और आज मैं किससे बात कर रहा था इन द मॉर्निंग, हाँ, वन ऑफ माय फ्रेंड जो पहाड़ों पे चढ़े हुए थे और बहुत मजा कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे. आई हैड लाइक चैट विद सम ऑफ द फ्रेंड्स आउट द बॉर्डर, बहुत सारे लोग जो हैं वो, और यूरोप में भी लोग इंजॉय कर रहे हैं सर्दी को, बहुत ज़बरदस्त वाली सर्दी को इंजॉय भी कर रहे हैं. मेरे भी दोस्त ऐसे कह रहे थे. अच्छा, आप सब जगहों के ऊपर सब तरह के मौसम जो है वो इंजॉय कर रहे होते हैं. हमारे यहाँ थोड़ा सा सर्दी थोड़ी स्लाइड कर गई है ना, तो हम उसके इंतज़ार में भी हैं. और अच्छा, एक मिनट, मुझे ज़बरदस्त किसी कुछ दिन पहले किसी ने जो है वो बात कही है, तो उसने ये कहा कि अब जो हमारे अंदर इसमें इतनी गर्मी हो, मतलब आप देखें कि कहते हैं कि पहले ना मुझे उन्होंने कुछ समझाने की कोशिश ये की थी कि जैसे हम बोलते हैं तो धुआं निकलता है और ये सारा चीज़ें, तो वन वे कि हम हमारे अंदर जो है वो अब हम इतने ठंडे मिजाज नहीं रहे, हम गुस्सा करने वाले रहे, तो वो कहीं से जो अंदर चीज़ें बर्न हो रही होती तो उसका धुआं निकल रहा होता है. और मुझे नहीं पता कि साइंटिफिकली इसकी कोई आपस की मिथ है या फिर नहीं है, लेकिन चलिए उनकी ये मिसाल जो है वो बिल्कुल सही थी कि माशरे में जो है वो सुकून पीस जो है वो टॉलरेंस काफ़ी कम है. और दूसरी साइड पर ने ये भी बताया था कि ये एक समवेयर जो है वो हमारे पोल्यूटेड जो एनवायरनमेंट है उसकी भी एक मिसाल है कि जब हम हमारे बहुत ऐसे धुएं निकलते हैं, हम बोलते हैं ना इन द मॉर्निंग एंड लाइक सम टाइम किसी और वक्त के अंदर भी ऐसा हो सकता है एट द नाइट टू. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर लिसनिंग टू मास्टर फ्रॉम 103. दिस इज ऑल अबाउट द ज़ेबी शो. कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद. इट्स अ ब्लू मून, इट्स अ लव स्टोरी.
and madness. So here we go for the very first track of my show, Sonia Sajno. यार ये मेरे साथ साथ रह के ये गाना सुनिएगा. My name is Zebi. आपको क्या कहते हैं हमें जरूर बताइएगा. मेरा नाम जहान सेब है, Zebi भी मुझे कहते हैं. And you are listening to Mast FM 103. अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज मोड में जाएं, FSD लिखें. FSD लिखने के बाद एक स्पेस दें, उसके बाद अपना खाली नाम लिखें और सेंड कर दें मुझे 6278 पे. नाम के साथ अगर अपनी सिटी भी लिख दें तो बहुत अच्छा है, बिकॉज यू आर लिसनिंग टू मी इन कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद. I'm absolutely back in the show. मेरा स्पीकर भी चल रहा है, वैसे मैं तो खुद एक स्पीकर हूँ. अच्छा, रेडियो शो करने वाले लोग जो है ना, उनको बोलने का बिकॉज जिंदगी में बड़ा शौक होता है, तो
हाँ लोग समझते हैं कि ये भी एक स्पीकर स्पीकर की तरह है भाई, बट हम स्पीकर तो हैं और ऑन अ वे जो है वो हम अपने भाषण अपनी बातें जो है वो आप तक पहुंचाते हैं सुनाते हैं. और आप लोगों को क्या कभी कभी अच्छी लगती हैं? तो ओके दैट्स ग्रेट यार. कभी कभी अगर कुछ अच्छा लग जाए तो वो भी. आप सोचें जरा कितने सारे लोग हमारे साथ रह रहे होते हैं, हमारे साथ चल रहे होते हैं, हमें तब भी कभी कभी अच्छे नहीं लगते. तो अगर हम कभी कभी भी अच्छे लगते हैं तो तब भी बहुत ज़बरदस्त बात है. लेकिन ये क्यों कमी आ गई है बता? हमारे यहाँ जो लोग साथ रहते हैं हम वो भी हमें अच्छे लगने नहीं, मतलब अच्छे लगने कम हो जाते हैं, अच्छे लगने मैनी रीजन्स हाँ इनसे जुड़ी हुई है. आई नो के कभी कभी हम ऐसे ही बातें कर देते हैं, हम ऐसे. मैं अपने साथ जुड़े हुए लोगों को बिलीव में ये कहता रहता हूँ कि यार आप जैसे एक चोट है ना, आप एक जख्म जो है वो लग जाता है, उसका दर्द कम हो जाता है, निशान रहता है, निशान भी फिर कितनी देर तक रहता है. हम इसी तरह से जब अपने अपने रिश्तों के अंदर जब थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ पिंच करते रहते हैं, कुछ ना कुछ उसको तोड़ते रहते हैं, हम समझते हैं कि हाँ वो वक्त के बाद फिर कभी सॉरी हो गया, कभी कुछ हो गया, फिर प्यार जो है वो जुड़ गया. लेकिन यकीन करें एक थोड़ी सी स्पेस छोड़ जाती है वो चीज़ें. मुझे पता आप बहुत साफ करते हैं, लेकिन वो एक हल्का सा जो ब्लैक स्पॉट है ना वो कहीं ना कहीं पर रुक जाता है. फिर आहिस्ता आहिस्ता ये छोटे छोटे स्पॉट बढ़ते रहते हैं और फिर वो जो पूरा आपकी वो एक आपका दायरा होता है ना, मतलब एक मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की स्पेस जो है वो आपके मन के अंदर दिल के अंदर छोटे 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 पॉकेट्स की तरह से है. हाँ तो वो उन पॉकेट्स के अंदर से जो है वो थोड़ा 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 वो स्पॉट बनता रहता है और फिर कभी कभी वो बहुत गहरा हो जाता है. तो वो बहुत गहरा होने से जो है वो पहले पहले से हमें पीछे निकल जाना चाहिए, बल्कि वो थोड़ा सा भी लगा नहीं रहने देना चाहिए, बिकॉज वो बहुत मेहनत लेता है सच्ची में, वॉश आउट करने में, दोबारा से उसको रिपेयर करने में. सोने सजनो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मस्ट एफएम 103. माय नेम इज ज़ेबी एंड यू आर लिसनिंग टू द ज़ेबी शो. ओके अली हसन हमारे साथ हैं, वी हैव वीना. अरे जी वाह क्या बात है. शफी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया. तैयबा अकरम हमारे साथ हैं हमेशा की तरह. शेइंग विस्परिंग नाइट जो है वो शुरू हो गई है. हाँ यार विस्परिंग नाइट्स हैं वो. देखें आप में से कौन कौन जो है वो किस 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 का विस्परिंग करता है. बाय द वे आई रियली लव दिस माइक और मुझे तो बहुत मजा आता है इसके साथ विस्परिंग करते हुए. सो यू कैन बी केयरलेस विस्पर. और जो भी मन चाहे आपका. अली हसन बट हमारे साथ है कराची वाला. गुड इवनिंग ज़ेबी, वंडरफुल यू, वंडरफुल टू लिसन टू यू एफएम 103 शो. लगदा मैं तो दिल पाकिस्तानी सिंगर महानूर खान. अच्छा उन्होंने गाना गया लगदा मैनू तो दिल. आप महानूर खान खुद ही तो नहीं है या फिर उनके कोई करीबी तो नहीं है? चले मैं देख, अगर कुछ ऐसा है तो तब भी मुझे बता दें. नो वरी मैं प्ले तो करूंगा यार, ये कौन सी ऐसी बात है, मतलब ऑफ कोर्स आपके लिए प्ले करना है. किरण हमारे साथ हैं. किरण जी थैंक यू सो मच. किरण मलिक क्या बात है यार. किरण मलिक और किरण चौधरी नहीं आई हैं, वो कौन है? सारा चौधरी है, सबा चौधरी है, ऐसे भी नाम जो है वो बड़े पॉपुलर है ना, तो ये भी जो है वो. बहरहाल ये किरण है हमारे साथ. वी हैव अमीना. आमिना है ये. आमिना है बट थोड़ा से स्पेल चेंज करके डबल ए एम आई एन ए एच. आमिना आपको बहुत बहुत शुक्रिया. डॉक्टर आसिम साहब हमारे साथ हैं एंड वी हैव द फरा इन द शो. लेडीज एंड जेंटलमैन ये हमारे यू से लाइक वेलकमिंग लिसनर जो हमें सुन रहे हैं. तो ये डिफरेंट नाम लोगों के. और आज मैंने नामों की कहानी जो है वो अपने दोस्तों से पूछनी है कि नामों का हमारी पर्सनालिटीज के ऊपर क्या असर पड़ता है नहीं पड़ता है, आपकी फाइंडिंग क्या है आपकी लाइफ में. जिस तरह से आपके अब्बा अम्मा ने रख दिया, अब हमें पता नहीं है, पैदा भी हम ऐसे हुए हैं बिना अपनी सोच के, हमारे नाम भी इसी तरह से रख दिए गए हैं. लेकिन अब हम हमारे पास ये है, हमने एक अपना थोड़ा सा जायजा लेना है. अगर पहले ले लिया है तो तब भी अच्छा, नहीं भी लिया तो अभी भी ले लेते हैं कि हमें देखना है कि क्या हमारे नाम जो है वो हमारे ऊपर कोई असर डाल रहे हैं. या आपको क्या लगता है कि ये नाम जो है वो असर डालते हैं पर्सनालिटीज के ऊपर, आपकी हैबिट्स पे, आदत पे, आपके इन एंड आउट के ऊपर, लाइफस्टाइल पे, इन सब चीजों के साथ. सो दोस्तों डोंट फॉरगेट टू शेयर टू मी. Waiting for you. आपके नाम का मतलब क्या है ये भी तो आपने हमें बताना है. तो आज जरा लोगों के नामों के मतलब पूछेंगे, अच्छे अच्छे नामों के साथ, अच्छी अच्छी बातों के साथ, उनको डेडिकेशन भी करेंगे.